गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पाठ चार नपुंसक लिंग शब्द। ये तो आपको पता ना, नपुंसक लिंग कौन किसे कहते हैं। इस लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के शब्द प्राय अंग पर सांत होते हैं, यानी आधा मुंह लगाता है, जैसे फलम, पतरम, जलम। ठीक है, इसकी पहचान यही है, ये तो पता लग जाएगा आपको, ये नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फलम का अर्थ होता है, आपको देख रहे हैं चित्र में, फलम का अर्थ है फल, पुष्पम का फूल, जलम का पानी, दुग्धम का दूध, पुस्तकम का किताब, पत्रम का चिट्ठी, सीतम का वस्ता, पृष्ठम कागज और नगरम का शहर, भवन भवनम घर, ध्यानम बगीचा, गृहम का गृह घर, कार्यानम कार, विमानम जहाज, वातायनम खिड़की, द्वारम दरवाजा, प्रणकम खिलौना, भोजनम भोजन। ये शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और ये पता लग जाए ज्ञातव्य। नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जिनका मतलब नाम होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे बखा, लता, पुष्पम आदि। अब करेंगे इसे एक्सरसाइज। मूल शब्दों में नपुंसक लिंग रूप की रचना करो और उसका अर्थ लिखो। जैसे द्वार दे रखा, मूल शब्द हमारा द्वार है, इसमें इसे बनाओ नपुंसक। तो हमने बनाया द्वारम, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा। तो इसी तरह से कमलम कमल, गृहम घर, नयनम आँख, पत्रम चिट्ठी, मिष्ठानम मिठाई, सीतम बस्ता, पृष्ठम कागज। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ हिंदी है, संस्कृत है, उसके आपको मिलान करना है। जैसे विमानम का है जहाज, बातियानम खिड़की, नगरम का शहर से मिलाइए, भवनम भवन, उपवन का बगीचा, शयनम सोना, अकिरणम खिलौना। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग लिखना है। तो हमारे यहाँ पिता, इसमें पुल्लिंग में पितामह अनुजा सुरेंद्रा, और स्त्रीलिंग में चटका, गीता, सुनीता, और नपुंसकलिंग शब्द में है भोजनम, पुस्तकम और जलम। जिन वाहनों के लिए संस्कृत में अलग शब्द नहीं हो, तो उन शब्दों के आगे यान लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुयानम हो गया हवाई जहाज, जलयानम पानी का जहाज। अब है प्रदर्शित विधिना समार्थ शब्दार्थम लिखा। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए तो उसके अर्थ लिखने हैं। जैसे गमनम का जाना, श्रवणम का सुनना, चरणम का चलना, पठनम का पढ़ना, धावनम दौड़ना, हंसनम हंसना, लेखना लिखना, दर्शना देखना। अब मानम माना इति शब्द द्वारा नए शब्द की रचना करो। जैसे विमानम अनुमान, सम्मानम अभिमान। ठीक है, अब है चित्र को देख करके संधि शब्द लिखो। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और चित्र देखिए, उसके शब्द नाम लिखिए। पढ़नम पुस्तकम, गृहम पुष्पम। इसी तरह से आपको यहाँ भी मिलान करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रहती है। जैसे पुष्पम कहाँ पर है, उपवन में। नयनम शरीर का अंग है। जलम नदी में कहाँ रहता है, नदी में। वर्षा मेघ में, मेघ से आती है। वायुयानम आकाश में, और झरा पर्वत। अब यहाँ पर आपको कुछ अभी तालिका में कुछ अभी दिए गए हैं, उसके छाँट करके लिखने हैं। जैसे काम का कार्य, ना का नौका, सांप सर्पहा, बगुला बकहा, पक्षी खगहा, नदी नदी, मोर का मयूरहा, कोयल का टीका। ठीक है, ये तो हो गई आपके पाठ चार एक्सरसाइज।